राजघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ी के पास नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजघाट थाना क्षेत्र निवासी दीपचंद्र पुत्र स्वर्गीय श्याम बली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नशे में धुत युवक नहाने के लिए राप्ती नदी में कूद गया। अचानक गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, जिसके पश्चात जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने शव को खोज निकाला। राजघाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम द्वारा डूबे हुए युवक को ढूंढ निकाला गया है। पुलिस ने डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, अरे बढ़ाओ यार जल्दी। अरे नदी में बताया जाता है कि कुछ नशे की पोजीशन में था, नदी में अपना कूद पड़ा, तैरने के चक्कर में कपड़ा पहने और उसी में डूब गया, मौत हो गई। जिसका नाम है दीपेश, सब पुत्र श्याम बली, उम्र करीब 35 वर्ष, उनकी मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम लगा करके डेड बॉडी को खुजवा लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके बच्चे बच्चे भी हैं अभी? अब परिवार है उनके पास, और नशेड़ी युवक बताया जाता है। अब क्या सच्चाई है पोस्टमार्टम में आएगा।